माय चैनल रेसिपी फ्रॉम अविनाश किचन। आज हम बनाएंगे भुट्टे की खीर। तो आइए हम देख लेते हैं भुट्टे की खीर बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। मैंने लिया है दूध, ये फुल क्रीम दूध है 1 किलो के करीब। भुट्टा, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, मैंने ताज़ा भुट्टा लिया है, एकदम नरम है, आप देख सकते हैं। मैंने ये दो भुट्टों को कद्दूकस करके रखा हुआ है। चीनी, ये अकॉर्डिंग आपके टेस्ट रहेगी। ड्राई फ्रूट्स में लिया है मैंने काजू और बादाम कतरन, थोड़े से पिस्ता कतरन, 1 चम्मच देसी घी और इलायची पाउडर। मैंने यहाँ पर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ फैन पैन रखा है, इसमें मैं अपने भुट्टों को भूनूंगा। मैं गैस ऑन कर लेता हूँ। अब इसमें मैं देसी घी ऐड करूंगा। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं कसे हुए भुट्टे को ऐड करूंगा। गैस की फ्लेम लो रखेंगे हम। इसे हम 3 से 5 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर लूँगा। इधर मेरा दूध भी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें भुने हुए भुट्टे को ऐड करूँगा। मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। घी को देख लेते हैं, हमारी खीर हो गई है। मैंने इसे आधे घंटे तक पकाया है लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए और भुट्टा अच्छे से मिक्स हो गया है। तुम चेक कर लेते हैं एक बार, गल गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हम 2 मिनट बॉईल करेंगे। खीर बॉईल होने लगी है, अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगा। मिक्स कर लेंगे। साथ में इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे तेज आंच पर। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। खीर को बाउल में सर्व कर लिया है, अब इसको मैं गार्निश करूंगा थोड़ी इलायची पाउडर, कुछ धागे केसर के,
बादाम बादाम और काजू कतरन, और पिस्ता कतरन से। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार है हमारी भुट्टे की खीर। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।